हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव उत्सव जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान के आने की तैयारी में दिन रात एक करके भगवान के मंदिरों को सजा रहे हैं, इसी प्रकार इस्कॉन उधमपुर में भी आज से अखंड कीर्तन और भक्त लोग भगवान को सजाने में उनके आभूषण उनके फूल जो देश भर से आए हुए हैं वो सजाने में लगे हुए हैं। और असली जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही जो जीवन जीता है वही असली मनुष्य जीवन है और वही सार्थक है। तो इस उपलक्ष्य में उधमपुर इस्कॉन भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए तत्पर है और सभी भक्त लोग आनंद से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कीर्तन भजन करते हुए इस दिन की तैयारी में कल भगवान का आविर्भाव के लिए तैयारी लगे। महामंत्र जो अभी चल रहा आप सुन रहे थे बैकग्राउंड में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये 24 घंटे कल 9 बजे तक चलेगा और उसके बाद दिन भर कीर्तन भजन और भगवान को नए आभूषणों से नए वस्त्रों से सजाया जाएगा और दिन भर भक्त लोग आएंगे दर्शन करेंगे प्रसाद पाएंगे और रात्रि को 7 बजे के बाद भगवान का कीर्तन भजन सत्संग 11:30 से 12 बजे तक भगवान का अभिषेक होगा और फिर भगवान की आरती होगी और फिर विशाल प्रसाद वितरण होगा। हरे कृष्णा। और परसों श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य है उनका जयंती मनाई जाएगी, आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा, उस उपलक्ष्य में विशाल भंडारा सारे उधमपुर वासियों के लिए किया जा रहा है, सभी को उस भंडारे में भी आमंत्रित किया जा रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।